तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है चहल पहल बढ़ रही है मार्केट की, और मैं जा रहा हूँ वापस। हेलो सर, कैसे हैं दोस्तों? मैं मॉर्निंग वॉक अभी करके आ ही रहा हूँ कि लोहनी जी भी मिल गए, बहुत प्रेमी आदमी हैं और यहाँ लेक्चरर हैं सर। विद्यालय की ओर जा रहे हैं, विद्यालय की ओर को जा रहे हैं, तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी मिल गए हैं, अभी फिर और इनसे मुलाकात होगी। और मदन मेहरा जी जो है साइड से जा रहे हैं और बड़ा घूर रहे हैं। हाँ अच्छा, ठीक है। हाँ तो मदन मेहरा जी आएंगे, 23वां उत्तराखंड स्थापना दिवस है, उसमें वो भी आएंगे, तो जाएंगे तो वहाँ पर मिलेंगे अभी हम उनसे भी। तो ठीक है फिर लोग, मैं जरा सा घर तक होकर के आता हूँ, सुबह सुबह मुलाकात हो गई, दर्शन हो गए, हाँ हम भी धन्य हो गए। तो दीपावली में फिर होती है मुलाकात, इधर ही है। ओके सर। तो दोस्तों दीपावली आ रही है, आ ही गई है अब, और सुबह सुबह दुकानें वगैरह भी अब सजने लगे हैं। और देखिए लोग बागों की चहल कदमी जो है बढ़ गई है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये भी है हमारे प्रेमी और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और अब देखता कितना देख रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ पर मिलो पूरे जो है वो दिल से मिलते हैं, बिल्कुल खुश हो करके दूर से ही आवाज लगा देते हैं हेलो। तो दोस्तों हम सुबह सुबह आ गए हैं मामूज बेकरी एंड कैफे में, और कल शाम को हम यहाँ आए थे तो हम डब्बे जो है वो बना करके गए थे, उनको फोल्ड करके गए थे, और हमारे हिमांशु भाई लगे हुए हैं इधर पैकिंग में। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे सामने ये डब्बे, और मैंने भी बहुत सारे डब्बे इनमें से बनाए थे, सब नहीं है लेकिन बहुत से बनाए हैं। और हमारे हिमांशु बिष्ट जी हैं, और वो उधर मनोज पीछे, हाँ ये अब आगे आ गया है। तो ये सब तैयारी में चल रहे हैं, और क्योंकि दोस्तों व्यस्त हैं क्योंकि बहुत सारा इन्होंने ये पैकिंग करनी है अभी, नीचे ये फील्ड में जा रहा होगा ना सारा, बालिका में। अच्छा हाँ चलो, ये बालिका स्कूल में जा रहा है दोस्तों। तो ये देखिए, अच्छा तो यहाँ पर चल रहा है, तो आज थोड़ा इधर आपको सारा अस्त व्यस्त जैसा दिखेगा क्योंकि सब पैकिंग चल रही है चारों तरफ को। अभी तो यहाँ व्यस्तता चल रही है बहुत ज़्यादा, इनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है, और मुझे अभी कमरे पर जाना है, फिर खाना वगैरह भी खाना है, और उसके बाद ये वीडियो एडिट करके शाम को 7:30 बजे आप लोगों के लिए जो है पब्लिश करनी है। तो फिर हम फिलहाल बढ़ते हैं आगे को, और हमारे शीतल भाई देख रहे हैं उधर, अभी दुकान उनकी जो है सजने लग गई है। नमस्कार, कैसी है दादा? इस बार पहले तो कुछ कम लग रही है, लग रहा है कि पिछली बार की तरह रौनक है, या पिछली बार से कुछ कम या ज्यादा? हाँ पिछली बार से अभी तो हल्का लग रहा है, लेकिन अभी बढ़ेगी धीरे धीरे। दो तीन दिन पहले तो काफी सुनसानी लग रही थी, हाँ हो रहा था कि दिवाली आ गई है। हाँ वो दिखाएंगे उधर भी, हमारी दुकान, हाँ वो दुकान उधर तो है। हेलो, हाँ काफी सप्लाई होती थी, हाँ ठीक वही तो, सालों में माहौल रहता था नहीं, इस बार थोड़ा सा हल्का ही दिख रहा है मुझे अभी तो, लेकिन अब देखो एक दिन का, अब इसका क्या कारण है अब ये तो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं तो गांव से आया हूं अभी, मैं गांव से आ रहा हूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। हाँ ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेंड चल गया है घूमने का, लोग त्योहारों में घूमने चले जा रहे हैं जी, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जो त्योहार वगैरह, क्योंकि पहले की तरह अब रस नहीं रह गया, जैसे पहले से दीपावली वगैरह होती थी तो हम घरों घरों में रात को एक एक दो दो बजे तक भी उनके जो है लक्ष्मी को देखने के लिए जाते थे, तो लेकिन अब वो सब कुछ बहुत ही कम हो गया है ना। सही कह रहे हैं, हाँ हमने भी देखा कि आज के लोगों में एक ये क्या नया ट्रेंड चल गया है कि दिवाली या होली कोई भी त्योहार अपनी जगह पे ना बना करके कहीं बाहर घूमने चले जाना है। हाँ ये तो है, लोग कहीं भी बाहर होते थे, जब पढ़ाई के लिए भी जा रहे थे तो उनके कहीं से भी घूम के वापस अपने शहर में आते थे कि दिवाली त्योहार तो अपने ही घर में मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दूर दूर से, क्योंकि क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इधर दिखाता हूँ कि हमारे ब्रजेश भाई ने जो है इधर दुकान जो है सजा रहे हैं अभी, देखो सुबह सुबह, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ब्रजेश भाई ने लगाया। हेलो ब्रजेश भाई, मॉर्निंग। हाँ तो ब्रजेश भाई लगे हैं, और शीतल भाई भी अभी चल रहा है, पूरा सेटिंग इधर होएगी अभी, और अभी आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद सारा, और थोड़ी देर के बाद हमारे हिमांशु भाई भी आएंगे, और तो वैसे तो और दिनों हिमांशु भाई का रहता है 2:30 बजे आने का, लेकिन आज देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। तो सब जगह पूरे दुकानों में देखो मार्केट जो है सजने लगी है दोस्तों धीरे धीरे करके, ये लग भी गई है वहाँ ब्रजेश भाई के पैर में। वर्षगांठ आप सभी स्वागत,
स्वागत और अभिनंदन। हेलो भाई, हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, मैं कल 8 नवंबर 2023 को पहुंचा नैनीताल और आज सुबह सुबह मैं निकला हूं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि सुबह सुबह नैनीताल कैसा लगता है और क्या क्या सुबह सुबह की एक्टिविटीज होती है नैनीताल में, और बाकी जो दिन में किस तरह की एक्टिविटीज होती है वो मैं दूसरे किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और कैसा लगता है दिन में और सुबह। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सुबह सुबह नैनीताल कैसा लगता है। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों, सुबह सुबह आजकल हमारा रूटीन है सफाई अभियान का तिपोला मार्केट में। तो सुबह सुबह उठने की आदत हो गई है, तो आज भी मैं नैनीताल पहुंचा हूं। कल शाम को पहुंचा मैं 5 बजे। तो अब आज सुबह भी थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आते हैं और दिखाते हैं कि नैनीताल में कैसी चहल पहल रहती है सुबह सुबह लोगों के घूमने की, और जो फ्लैट्स मैदान है वहाँ पर स्पोर्ट्स का किस तरह का क्रेज है। और दोस्तों, सुबह सुबह जो है हमारे नैनीताल में दूध आता है तो इस तरीके से, क्योंकि हमारे वहाँ गांव में भी आता था तिपोला में दूध, अब तो दिखता नहीं है, लेकिन सुबह सुबह यहाँ आपको हर चौराहे पर इसी तरीके से जो है दूध दिखाई देगा और लेने वाले भी आएंगे, और अखबार वगैरह भी सुबह सुबह आता है। और सुबह सुबह दोस्तों यहाँ भी इतनी सारी गंदगी आपको दिखाई देगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में, क्योंकि शहर है तो शहर में झाड़ू लगता है सुबह हर दुकान के आगे से आपको इस तरीके से। और दोस्तों, यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी अशोक सिनेमा हॉल, तो वो पूरी बिल्डिंग तो अब साफ हो गई है, अब यहाँ पर बन गई है कार पार्किंग। और पीछे इधर मेरे बाएं हाथ साइड में देख रहा आप, ये नगर पालिका की बिल्डिंग है। तो वो घड़ी तो टाइम आजकल अब मुझे नहीं लग रहा कि घड़ी सही टाइम बता रही है। और ये है नैनीताल की लेक है, यहाँ के डॉगी सुबह सुबह दौड़ लगा रखी है सबने। वो उधर सामने से भी दिखाई दे रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है नैनीताल का मल्ली ताल का रिक्शा स्टैंड, और जो कि पुराना हमारे कुमाऊनी शैली में बनाया गया है। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिखाई थी, वो रात की थी, तो रात के वक्त में जब लाइट वगैरह जली रहती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ये लगता है। तो इस वक्त तो सुबह सुबह है, सुबह सुबह उतना। हाँ जी, मेरा सर पहाड़ के रंग, पहाड़ के रंग जी। तो रात के टाइम पर नैनीताल बहुत खूबसूरत दिखता है दोस्तों, जब लाइट वगैरह जली रहती है। तो अभी सुबह सुबह है, लेकिन सुबह भी बहुत खूबसूरत ये लगता है, और जब अभी धूप आएगी उसके बाद और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ फ्लैट्स की तरफ को, तो वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है नगर पालिका की बिल्डिंग, और उधर
थाना भी है और मस्जिद है बगल में और न्यू क्लब है सामने आपको दिखाई देगा उधर, और इसके आप बीच में इधर साइड में आपको दिख नहीं रहा है वहाँ पर नैना देवी का मंदिर है और इधर कैपिटल सिनेमा, अभी उसका नाम कुछ चेंज हुआ है मालूम नहीं है और कुछ दिख नहीं रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में हम थोड़ा वॉक करके आते हैं तो तब आपको दिखाते हैं कि बच्चे वगैरह इधर काफ़ी आते हैं खेलने के लिए। TGNDSA का बास्केटबॉल कॉर्नर है, यहाँ पर बास्केटबॉल वगैरह होती है। तो हम बढ़ते हैं आगे को और देखते हैं कि क्या और चीज़ें हमको मिलती हैं आज, क्योंकि आज बहुत वर्क टाइम के बाद मैं नैनीताल में आया हूँ तो और क्या क्या चीज़ें नई नई दिखती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कार पार्किंग यहाँ की, यहाँ अगर आप नैनीताल में आते हैं तो यहाँ अपनी कार को पार्क करके और जो उसका पैसा लगता है वो चार्ज लगता है उसे दे करके आप लोग नैनीताल में घूमने के लिए जा सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे पार्किंग यहाँ पर है दोस्तों। और इधर है गुरुद्वारा, मार्केट अभी खुली नहीं है, बंद है, तो इसलिए आपको सारा खुला खुला दिख रहा है, पूरी जगह आपको खुली खुली दिखेगी यहाँ पर। और जब थोड़ी सा जब धूप वगैरह आती थोड़ी देर में 9-10 बजे के बाद तो फिर सारा आपको यहाँ पर भरा भरा दिखाई देगा और जगह बहुत कम देगी। और इधर फूड कॉर्नर है तो आप लोग यहाँ पर अलग अलग तरह का फूड, चाइनीज फूड वगैरह जो है, चाउमीन मोमो थोपा वगैरह इस तरीके की चीज़ें हैं, आप शौकीन हैं इस तरह के तो वो इस साइड में आपको मिल सकती है। और दोस्तों हवा वगैरह खूब चलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पेड़ से पत्ते वगैरह गिरते हैं बहुत सारे, क्योंकि पेड़ पेड़ हैं। और ये है माँ नैना देवी का मंदिर, ये है और सामने है खूबसूरत नैनी लेक। फिर जो लेक होता है लेक का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। यहाँ नैनीताल का जो खूबसूरती है वो यहाँ की नैनी लेक है। और ये है खूबसूरत नैनी लेक। नैनीताल इस तरह का जो एक शहर है और इसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं बाहर से, और उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि इतने टॉप में जा करके आपको एक इतनी बड़ी लेक मिलेगी, क्योंकि ये अकल्पनीय होता है दोस्तों। जब इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसकी चोटी पर आपको इतना पानी जो है इकट्ठा रुका हुआ मिलता है तो और इधर है आपका शनिदेव का मंदिर है ये ठंडी रोड में, और पहले से तो बहुत छोटा छोटा हुआ करता था लेकिन अभी काफी जो है इसको बड़ा बना दिया गया है। और इधर है ये हाँ एरिशन ऑफ नैनी लेक। तो दोस्तों ये जो पानी है नैनीताल के जो तालाब का जो पानी है उसकी सफाई के लिए ये उसमें क्या क्या किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं दिखाया गया है, ये बनाया गया है खूबसूरती के लिए। जब यहाँ पर आते होंगे तो मैं तो इधर आया नहीं आज तक का, और मैं इसके अंदर भी आपको लेकर के चलूँगा। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गोलू देवता का मंदिर है और ग्लास हाउस के अंदर, और ये है ग्लास हाउस। तो मैं तो इधर आया हूँ पहली बार आ रहा हूँ इधर में। तो दोस्तों ये है ठंडी रोड में ग्लास हाउस, और जो बाहर इतनी हवा वगैरह चल रही है, बारिश वगैरह भी होगी कुछ होगा तो, लेकिन इसके अंदर आप सेफ हैं। तो दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ आगे को और आपको लेकर के चलता हूँ आगे और देखते हैं कि अभी और क्या क्या है हमारे पास आज देखने के लिए। और दोस्तों देखिए कि कैसा लगता है सुबह सुबह तालाब के किनारे घूमना, और ये लेक है
और इसका पानी, और ये अब देख सकते हैं कि मछलियां भी यहाँ पर हैं ऊपर को। तो दोस्तों ये है खूबसूरत मंदिर पाषाण देवी का। तो क्योंकि इतने टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ तो इसलिए बहुत से चेंजेस अभी हो गए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये सामने ही जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इधर आ गया तल्लीताल। हम क्योंकि मल्लीताल से घूमते हुए ठंडी रोड के रास्ते से इतना आ गए हैं, तो दोस्तों आगे और बढ़ना तो अभी ठीक नहीं है क्योंकि अब 7:45 हो चुके हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे वापस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपको कल शाम को अपने डेली ब्लॉग में, ठीक शाम को 7:30 बजे। और फिर कोई और वीडियो हमारी जो आएगी दिन के टाइम पर भी, हम जब डालते हैं कभी इतना हमको वक्त मिलता बनाने का। तो फिर मिलेंगे आपसे कल शाम को ठीक 7:30 बजे। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।